मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवाहा जंगल को मारने का काम बहुत जल्द चालू हो जाएगा और यहाँ पे 2 लाख से ऊपर पेड़ काटे जाएंगे। और इन पेड़ों की कटाई अब की बार इसलिए नहीं हो रही कि हमें सड़कें चाहिए या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें बिजली चाहिए, नहीं, ये कटाई किसी बेहद ही गैर जरूरी चीज के लिए हो रही है। अब वहां के स्थानीय लोग और पशु पक्षी जो इस जंगल पर निर्भर हैं, हम उनकी बात छोड़ भी दें तो आइए बात करते हैं कि आप पे और मेरे पे इसका डायरेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है। जंगलों के कटने से सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, बहुत से नए वायरस भी हमारे बीच में आ गए हैं, जैसे येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका। और जीका का तो नाम भी जीका फॉरेस्ट पे है जो उसका उद्गम स्थल है। आज हवा को धुआं हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से अगर कोई रोक रहा है तो वो ये बचे खुचे जंगल ही तो हैं। जिस रफ्तार से पेड़ हमारे देश में कट रहे हैं ना, एक दिन यही पेड़ म्यूजियम में पाए जाएंगे और टिकट दे के देखने पड़ेंगे। आदमी को तो छोड़िए, आज तो भगवान श्री राम को भी वनवास जाना पड़े तो वो भी जंगल के लिए तरस जाएंगे। और ये सब जानते समझते बक्सवाहा जंगल की कटाई क्यों हो रही है, क्योंकि इनको वहां पे हीरों के लिए खुदाई कर दी है। अब बड़ी कंपनी वालों ने बारी बारी बोल बोल के कि हीरा है सदा के लिए, हीरा तो कई लोगों के लिए कीमती बना दिया, पर जंगल तो बिना एडवर्टाइजमेंट के सदा से हर किसी के लिए कीमती है। तो यही समय है हम सबको अपनी आवाज बुलंद करने का। इस वीडियो को इतना शेयर करिए ये मीडिया तक पहुंचे। देखिए ना, जेसिका लाल हत्याकांड में पब्लिक प्रेशर के चलते जेसिका को न्याय मिला, तो अगर हम भी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो शायद हम भी बक्सवाहा जंगल को अन्याय से बचा पाएंगे।